10, 12 के एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों 10, 12 के एग्जाम पर इतना जोर दिया जाता है ना? घर में ये बात होती है ना, जैसे ही बच्चा 10th में गया, कब शुरू हो जाता है, दसवीं का साल है, बारहवीं का साल है, टीवी बंद करो, केबल निकाल दो, है ना, ये सब रहता, ठीक है। फिर हर कोई आते जाते बाहर वाले भी बोलते, अरे तू बाहर घूम रहा, दसवीं का साल है ना, अरे बच्चे को शादी में ला लिए, दसवीं का साल है। तो दसवीं का साल और बारहवीं का साल हम अक्सर सुनते रहते कि दसवीं का साल है, बारहवीं का साल है, पेरेंट्स भी टेंशन में, टीचर्स भी टेंशन में, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं कि ये सब टेंशन में है क्यों। जिसको टेंशन लेना चाहिए वही टेंशन में नहीं है बस, है ना, बाकी सब टेंशन में। रास्ते से चलते वाले भी बोलते, अरे बेटे बाहर क्या कर रहा, तू दसवीं का साल है, तो वो एकदम ऐसा अचानक ऐसा देखता है उसको, यार मैं दसवीं में है, टेंशन इनको ज्यादा है। तो यार रीजन ये है, वजह ये है कि हमको पता ही नहीं कि 10th और 12th की एग्जाम की क्या अहमियत होती है। जिसको इसकी अहमियत पता हो जाएगी ना, उसको किसी और से सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 10th 10वीं के बाद।